हेलो फ्रेंड्स, नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि बॉयफ्रेंड लेके आती है, जिसको देख रश्मि का मूड बहुत ख़राब होता है। और जब सृष्टि रश्मि से बात करने की कोशिश करती है तो रश्मि कहती है कि मुझे मेरे पति के पास जाना है, ज़रूरी है, मुझे वो रिश्ता अपना संभालना है। ये कह के वो वहाँ से अपने पति के रूम में चली जाती है। उस समय तैयार हो रहा होता है तो रश्मि उसकी तरफ देखती है और कहती है कि जाना ज़रूरी है क्या आपका? तो रश्मि को इस तरह पूछते देख पहले तो उसको थोड़ा अचंभा होता है, फिर वो बड़े प्यार से उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ जी, जाना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कौन कमबख्त तुम्हें छोड़ के जाना चाहता है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। तो रश्मि कहती है कि समझ रही हूँ, जाना ज़्यादा ही ज़रूरी होगा, तभी जा रहे हैं, नहीं तो नहीं जाते। क्या हुआ, कुछ मूड ऑफ है तुम्हारा? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी मैं आपसे। आर यू श्योर? या तो मैं आपसे कुछ परमिशन चाहती हूँ, अगर आप दें तो। हाँ बोलो। मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, मैं उसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। जो है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब, हाँ अब क्या करना है अब तुम्हें पढ़ लिख के? हाँ, नौकरी करनी है क्या? नहीं ना, क्यों? आराम से पैसे कमा रहा हूँ, घर में सारे ऐशो आराम तुम्हें दे रखे हैं, करना क्या है तुम्हें अब? आराम से अपनी ज़िंदगी जियो, कहाँ इन पचड़ों में पड़ रही हो तुम? जय, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, आपने जो दिया अच्छा लगा बुरा लगा मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन रश्मि प्लीज़ जय, आप उस दिन कह रहे थे ना कि मेरी ख्वाहिश का आप ख्याल रखेंगे, आज सच में मुझे आपसे कुछ चाहिए, क्या आप दे पाएंगे? बोलिए, तुम जो मांग रही हो वो इतना इजी है क्या देना? क्यों, ऐसा भी क्या आपकी धन दौलत थोड़ी ना मांग लिया? धन दौलत मांग लेती तो शायद दे देता। क्यों जय, आपको ये डर है क्या कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई या पढ़ लिख ली तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी? आपकी बीवी हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं होने दूंगी ना? पक्की बात है? तो जय मना कर देता है, कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी पढ़ाई करनी थी तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें करा दी, अगर ज़रूरी होता तो वो तुम्हारी पढ़ाई कंटिन्यू रखवा ही देते ना, इस तरह तुम्हारी शादी तो नहीं कर देते। तो अब इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जय, बस रश्मि ख़त्म करो इस बात को, अब जाते जाते क्या मेरा मूड ऑफ करके भेजना है क्या? तुम्हें पता है अगर तुम इस तरह मुझे भेजोगी तो मेरा काम कितना ख़राब हो जाएगा? हाँ,
तो बस जाओ चिल करो, जो चाहिए वो ऑर्डर करो। शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए तो बताओ, मैं पैसे दूँ? जब तुम्हें हर एक चीज़ मैं दे रहा हूँ, बच्चों की हर एक ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, कहाँ इन चक्करों में पड़ने जा रही हो? ख़त्म करो इन चीज़ों को। और ये कह के जय अपना बैग उठाता है और कहता है, जा रहा हूँ, लौट के आता हूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? ध्यान रखना तब तक अपना और बच्चों का और सृष्टि का भी। ठीक है, ठीक है, फिर बाय। ये कह के जय बाहर निकलता है और सृष्टि सामने खड़ी होती है, तो सृष्टि को देखता है, कहता है, मैं जा रहा हूँ और ध्यान रखना अपनी भाभी का, तुम्हारी भाभी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो कहती है, जी भैया, ठीक है। तो ये कह के जय वहाँ से निकल जाता है। अब रश्मि जो है वो डोर लॉक करके आती है और दरवाज़ा के पास ऐसे ही खड़ी रहती है थोड़ी देर। तो सृष्टि उसकी तरफ देखते कहती है, क्या हुआ, आप वहाँ क्यों खड़ी हो? तो रश्मि कोई जवाब नहीं देती, वो चुपचाप वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। सृष्टि वहाँ से उसके रूम में जाती है, डोर नॉक करती है, तो कहती है, हाँ बोलो। कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी? अब अंदर आ जाऊँ तब तो बताऊँ? आओ। तो वो अंदर आती है और कहती है, हाँ बोलो, क्या हुआ है आपको, इतनी उखड़ी हुई क्यों हो आप मुझसे? सृष्टि, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, तो तुम ये सारी बातें ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन भाभी प्लीज़, सृष्टि प्लीज़, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दूँ। इससे अच्छा है कि तुम मुझसे बात मत करो, नहीं तो मैं कुछ उल्टा जवाब तुम्हें दे दूँगी, और वो मैं चाहती नहीं हूँ। लेकिन भाभी मुझे आपसे बात क्यों, मुझसे क्यों बात करनी है? जाओ अपने बॉयफ्रेंड से बात करो, इंतज़ार कर रहा होगा तुम्हारी कॉल का, है ना? वहाँ जाओ, उससे बातें करो, उसका टाइम पास करो, मेरे साथ क्यों मगजमारी कर रही हो? मुझसे मगजमारी करके क्या ही मिल जाएगा? भाभी आप कैसे बात कर रहे हो? मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है? मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, तो मेरे बारे में ये सब सोचना बंद करो और मुझे शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना बंद करो। मैं ऐसे ही बात करती हूँ, तो इससे अच्छा है कि तुम मुझसे बात ही करना बंद कर दो। भाभी, मैंने अपने बॉयफ्रेंड से क्या मिलवा दिया? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे आपकी दुनिया ही छीन ली हो मैंने। नहीं नहीं, आप कैसे मेरी दुनिया छीन लोगे? हाँ, इतना हक मैंने आपको दिया है कि आप मेरी दुनिया छीन लो? बिल्कुल नहीं दिया। मेरी दुनिया मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, ठीक है? अब आप जाइए, मुझे आराम करना है, जाइए प्लीज़। उसका ये रूप देख के सृष्टि काफ़ी बौचक्की होती है, उसे यकीन नहीं होता कि रश्मि इस तरह से पलटी मारेगी। तो
इधर नेहा का कॉल आता है, रश्मि फ़ोन उठाती है और कहती है, और कैसा चल रहा है सब, तो सारी बातें बता देती है जो भी होते हैं। तो वो कहती है कि तुझे परेशान करने के लिए कर रही होगी यार, छोटी सी बात है तुम्हारे लिए होगी ये छोटी सी बात, मेरे लिए तो नहीं है। अरे यार एक बात बताओ, जब वो अपने भाई को लेके अभी परेशान है, उसके दिल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ऑब्वियसली ना वो तुमसे दूर जाने के लिए कोई ना कोई टेक्निक तो यूज़ करेगी, कोई ना कोई ट्रिक तो लगाएगी ही। अब तुम उसकी ट्रिक में आ जाओ तो कहते हैं नहीं यार नेहा, बस इससे ज़्यादा जलील नहीं हो सकती, वो भी उस इंसान से जिससे मैं प्यार करती हूँ, इतना बहुत है, ये जितना भी हुआ काफ़ी था, बट तुम अभी से कैसे हार मान सकती हो, मेरे पास कोई और चारा नहीं है ना हार मानने के अलावा। ऐसा नहीं है यार, तुम तो हद कर रही हो, ये सब किसकी ज़िंदगी में नहीं होता है, होता होगा जिसकी भी ज़िंदगी में होता होगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मेरी अपनी एक डिग्निटी है और उसे खोकर मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, फिर वो चाहे कोई भी हो, कोई ऐसा इंसान क्यों ना हो जिसके बिना मैं जी नहीं सकती। वो हर बार मेरे प्यार को उल्टा सीधा बोल देती है, हर बार छोड़ो जाने दो, इस टॉपिक पे बात करके या बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार इंसान बर्दाश्त कर सकता है, दो बार कर सकता है, हर बार तो नहीं कर सकता ना, बट तुम तो अभी से हार मान गई हो। यार रश्मि क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो? नहीं मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही हूँ, सही मायने में शायद अब अपने लिए जीना सीख रही हूँ। रखती हूँ फ़ोन, बाद में बात करूँगी, ये कह के रश्मि फ़ोन रख देती है, उसे आगे बात करने में जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता। इतनी जल्दी प्यार कैसे ख़त्म हो सकता है, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई। खैर रश्मि सोच रही होती है नेहा की बातें और फिर कहती है कुछ भी हो यार, मुझे कितना भी प्यार हो, जब वो हर वक्त मेरी बेइज्जती करने में लगी रहती है, इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त होगा मुझसे, नहीं इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ऊपर से बॉयफ्रेंड ले आई, झूठ लाई सच लाई वो तो वही जाने, लेकिन हो चुका जितना होना था, इससे ज़्यादा नहीं, इतना काफ़ी है। और इधर उठ के बाहर जाती है कुछ खाने के लिए, उसे भूख लग जाती है, उसने कुछ खाया नहीं होता बहुत देर से, तो उठ के जाती है कुछ खाने के लिए, तो सृष्टि अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही होती है, उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड होती है, उससे बातें कर रही होती है, तो वो कह रही होती है कि अरे नहीं यार, एक तो रिश्ते में वो मेरी भाभी हैं, वो दूसरा चलो अगर मैं उस चीज़ को भूल भी जाऊं तो पता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो है, आत्मविश्वास है ही नहीं, पढ़ना लिखना चाहती ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहती हैं, ऐसे इंसान के साथ कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हो तुम खुद भी तो सोचो ना,
मैं कहाँ, वो कहाँ है कि नहीं। तो कोई कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मेल ही नहीं है इस रिश्ते का। अब ये कोई समझना नहीं चाहता है तो मैं और क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं ना। लेकिन शी लव्स यू यार। या आई नो, बट ठीक है ना, हर बार ज़िंदगी वैसे नहीं चलती जैसा सब चाहते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके। और इतने में रश्मि वहाँ आती है और उसकी बातें सुनती है, तो रश्मि को देख सृष्टि फ़ोन कट कर देती है। और वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे पता ही नहीं है। तो रश्मि थोड़ी देर तक सृष्टि को देखती रहती है और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाती है, बिना उसे कोई जवाब दिए, बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप आगे बढ़ जाती है। रश्मि को इस तरह जाते हुए देख सृष्टि को अजीब लगता है, लेकिन वो रश्मि को रोकती नहीं है। रश्मि किचन में जाती है, खाना लेती है और वापस से अपने रूम में आ जाती है। इधर सृष्टि उस ऐसे ही अपने फ़ोन में देख रही होती है और फिर उसे अजीब लगता है, उसे लगता है कि उसने बेवजह रश्मि को खुद से दूर करने के लिए ये कुछ ज़्यादा ही कर दिया। मुझे ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था, उन्हें एटलीस्ट इस तरह नहीं बोलना चाहिए था मुझे कि मैंने सही नहीं किया। ये गलत है, क्या करूं। लेकिन मैं इस रिश्ते में जाके भी नहीं जा सकती, तो क्या करूं फिर, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ सर दे के मारूं मैं अपना, समझ ही नहीं आ रहा मुझे कैसे इस रिश्ते को सही करूं। रश्मि को तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन जो रश्मि चाहती है वो नहीं हो सकता यार। मुझे रश्मि से दूर जाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा करूँगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उधर रश्मि रूम में जाके उसकी बातें सोच सोच के और ज़्यादा रोने लगती है, उसे और ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। वो मतलब लिटरली चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है और मन ही मन खुद को कोस रही होती है कि यही लड़की मिली थी मुझे प्यार करने के लिए, मेरा दिल क्या इसी पे आके अटकना था, मेरी किस्मत प्यार के मामले में इतनी ख़राब क्यों है भगवान, मैंने तुम्हारा ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया था जो तुमने मेरे साथ ऐसा सुलूक कर दिया। ऐसा भी तो मैंने कुछ बुरा नहीं किया था, एक पार्टनर दिया उससे मेरी कभी कद्र नहीं हुई, ना मुझे उससे कभी प्यार हुआ। अब जिसे पार्टनर के रूप में देखने लगी, जिससे प्यार हो गया, उसे मेरे जज्बातों की कदर ही नहीं है। मुझे ऐसा क्यों बनाया है, मुझे किसी के लायक क्यों नहीं बनाया, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, तो वो क्यों रहेगी मेरे साथ। सही तो कह रही थी वो, जो भी कह रही थी, गलत क्या था उसमें, वो क्यों मेरे साथ रहना प्रेफर करेगी जब उसकी ज़िंदगी में
मुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान आ सकता है? किसी किस्मत लिखी है, लड़ू भी तो किसके लिए लड़ू? सब मुझे आके एडवाइस देते हैं अपने लिए लड़ो। अरे मेरी जिंदगी में है क्या जिनके लिए लड़ू मैं? खुद के लिए खुद क्या करूंगी? जिससे प्यार हुआ उसके लिए बोल्डनेस दिखाई, उसके लिए लड़ना चाह, आवाज उठानी चाहिए, तो उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज का। और जब उसे फर्क ही नहीं पड़ता तो मैं क्यों अपना टाइम उसके ऊपर वेस्ट कर रही हूँ? वो खुश रहे ना, जाओ उसे खुश रहना है। अब उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना मुझे, वैसे भी मैं नहीं कर रही हूँ। उसकी आवाज़ सुन के सृष्टि से रहा नहीं जाता, वो रूम में जाती है, नॉक करती है और रश्मि के पास जाती है, तो रश्मि उसे देखते ही भड़क जाती है, कहती है तुम निकलो इस रूम से अभी के अभी, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मेरे पास बिल्कुल मत आना, तुम दूर रहो मुझसे, दूर रहो, कहती है रश्मि मेरी बात, डोंट कॉल मी रश्मि, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, भाभी हूँ मैं तुम्हारी, भाभी बुलाया करो, मेरी बात तो सुनो यार, नहीं सुनना मुझे कुछ। अच्छा रोना तो मन, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं रो मरूँ जियो, तुमसे क्या मतलब है यार? तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम जाओ यहाँ से। रश्मि सृष्टि पर लिटरली चिल्ला रही होती है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।